नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कल 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की वोटिंग होने वाली है और उससे पहले राजनीतिक हलकों से एक बड़ी खबर है और खबर ये है कि डॉट वाले इंडिया गठबंधन में शामिल कम से कम 4 दल ऐसे हैं जो एनडीए के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अगर ये बातचीत पूरी हो जाती है, अगर सीटों पर समझौता हो जाता है, तब ऑफिशियल रूप से इनके एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया जाएगा। वो चारों दल कौन कौन से हैं? और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। खबर ये है कि 2 ऐसे दल हैं जो न इंडिया गठबंधन में हैं और न एनडीए में। वो फिलहाल तीसरे मोर्चे के रूप में सक्रिय हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, 4 दल, जी हाँ, 4 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि डॉट वाले इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, जिन्होंने मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन अब वो एनडीए के साथ या भाजपा के साथ बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में मुलाकात हुई, एक और जगह पर मुलाकात हुई जो उनका गृह राज्य है। उन दलों के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले एक वीडियो आप देखिए। ये वीडियो भैया दूज की है। भैया दूज की तारीख को आप देख पा रहे हैं कि सुप्रिया सुले, जो कि एनसीपी के शरद पवार गुट की ओर से हैं, और अजीत पवार, दोनों एक जगह बैठे हुए हैं। सुप्रिया सुले अजीत पवार की आरती उतार रही है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भैया दूज है तो बहन भाई की आरती उतारेगी, जो भी परंपराएं हैं वो निभाएंगी, लेकिन क्या ये पहली बार है? एक ओर एनसीपी के दोनों गुट के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं दोनों गुट के, अजीत पवार और सुप्रिया सुले, वो दोनों बार बार एक मंच पर दिख रहे हैं और दोनों के बीच जो बोनहोमी होती है, जो गर्माहट होती है रिश्तों की, वो दिखाई दे रही है। एक और वीडियो आप देखिए, ये वीडियो एक सप्ताह पहले की है। उस मंच पे भी सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक साथ थे और दोनों के बीच चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, हाव भाव देखिए, और आप बताइए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन हैं? कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये सारा कुछ शरद पवार का गेम प्लान तो नहीं, कि पवार परिवार एक है, अपने भतीजे को बीजेपी के साथ भेज दिया, खुद जानबूझकर एनडीए के साथ हैं, और ये लंबी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि खबर तो ये भी है कि एक चर्चा है जो चल रही है कि सुप्रिया सुले राज्यसभा जाएंगी और पूरे एनसीपी की कमान जो है वो अजीत पवार के हाथों आएगा और शरद पवार राजनीति से संन्यास लेंगे। इस खबर में कितना सच है, ये खबर कितनी सच्चाई है, किसी को नहीं पता, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ये सच खबर है तो शरद पवार की रणनीति की दाद देनी। दूसरा दल जो कि डॉट वाले इंडिया गठबंधन में है, अभी मैं खड़ा हूं झारखंड विधानसभा के ठीक सामने। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो झारखंड विधानसभा के बिल्डिंग की है, और झारखंड में राज है हेमंत सोरेन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा। कल जब प्रधानमंत्री आए तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे हेमंत सोरेन ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। राजधानी रांची में हर ओर बैनर पोस्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के द्वारा लगाया गया था प्रधानमंत्री के स्वागत में। इतना पोस्टर, इतना बैनर जितना बीजेपी वालों ने भी नहीं लगाया, और उसमें जो शब्द लिखे हुए थे उन शब्दों पर गौर कीजिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धरती आबा की जय भूमि पर स्वागत है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और इसके अलावा कुछ तस्वीरें हैं जो कि मैंने बताया कि हेमंत सोरेन लगातार जब से प्रधानमंत्री झारखंड की धरती पर लैंड किए, उस वक्त से जब तक उन्होंने वापसी की फ्लाइट नहीं पकड़ी, हेमंत सोरेन उनके साथ थे। चर्चा है, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन चर्चा है कि हेमंत सोरेन
प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। पिछले एक दो सालों की कड़वाहट को वो कम करना चाहते हैं। अब उसमें वो सफल होंगे नहीं सफल होंगे, भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन कई तरह की चर्चाएं हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और NCP हो गया। इसके अलावा एक दल है राष्ट्रीय लोक दल, जयंत चौधरी इसके अध्यक्ष हैं और इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी हैं तो इंडिया गठबंधन के साथी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार चौधरी चरण सिंह जयंती मनाने का फैसला किया है और ये उत्तर प्रदेश में भव्यता के साथ मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल होगी और जयंत चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। तीन दल हो गए। चौथे दल जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है, लेकिन वो अभी नाम बताना उचित नहीं होगा, लेकिन उस दल के बारे में भी ये खबर है कि उसने भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर ली है, सीटों का समझौता हो चुका है और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है और वो दल दक्षिण भारत के किसी राज्य का एक दल है। तो ये चार दल जो कि इंडिया गठबंधन में हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कभी भी इनका रुख कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। दो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद ये NDA में शामिल है। तेलंगाना में चुनाव हो रहा है और तेलंगाना में मुख्य मुकाबला BRS भारतीय राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की पार्टी है उसके बीच और कांग्रेस के बीच है। अब तक जो तमाम खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कांग्रेस ने बहुत ग्राउंड गेन किया है तेलंगाना में पिछले चुनाव के मुकाबले और कई सर्वे करने वाले या राजनीतिक जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत भी सकती है, उसकी सरकार भी बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो BRS के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी या NDA की जो सरकार बनेगी लोकसभा चुनाव के बाद उसमें वो शामिल हो सकती है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, YS राजशेखर रेड्डी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, इन दोनों दलों का रुझान NDA की ओर है। जो भविष्य के संकेत मिल रहे हैं अभी तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक बड़ी पार्टी और है डॉट वाले इंडिया गठबंधन में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद NDA का हिस्सा होगी, इसलिए वो हाल के दिनों में NDA या भाजपा पर जानबूझकर आक्रामक बयान नहीं दे रही हैं। इशारा साफ है, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल कल चुनाव है, हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट दें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।